अस्सलाम वालेकुम। जस्ट कैंपस में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम जी जा रहे हैं नारा नाग, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस निकलने की देर है। हम एक्चुअली ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं, ऑटो वाला अभी 10 मिनट में आता ही होगा। तो गाड़ी अपनी साथ नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रुकना है तो गाड़ी वहाँ पे नहीं छोड़ सकते। तो अभी ऑटो वाला आता ही होगा, 10 मिनट लगेंगे उसको। फिर सामान लेके ऑटो में हम निकल जाएंगे बांडीपुरा तक, बांडीपुरा से हम सोमा में चले जाएंगे गांधरबल तक, और गांधरबल से आगे फिर वही देखेंगे क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे। हम जी अभी हैं बाबा नगरी एरिया में। पीछे जो आप देख रहे हैं ये वांगत का एरिया है, नदी के उस पार। तो हम इस साइड हैं, ये बाबा नगरी का साइड है। तो अभी हमें नारा नाग पहुँचने में कम से कम आधा घंटा और लगेगा। तो हमारा आज डे फर्स्ट है, आज आपको हम नारा नाग दिखाएंगे, जो वहाँ के एंशंट टेम्पल्स हैं वो दिखाएंगे आपको। हमें आज रात नारा नाग में ही स्टे करना है, और उसके बाद कल सुबह 6 बजे हमें नारा नाग से निकलना है। कहाँ जाना है आगे वो कल आपको पता चलेगा। तो एक सीरीज़ आने वाली है, इतना मैं आपको बता दूं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया सीरीज़ होने वाली है। तो आप हमारे वीडियो पूरे देखते रहिए, मिलते हैं आपसे आगे। मुकीम, और कितना टाइम लगेगा नारा नाग तक? 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, आधा घंटा ना। अच्छा, 15-20 मिनट ज़्यादा। चलो जी, ठीक है, चलते हैं फिर। फाइनली हम नारा नाग पहुँच चुके हैं। तो हमने अपनी गाड़ी साथ में नहीं ली थी, क्योंकि हमें गाड़ी फिर कम से कम एक हफ्ते के लिए इधर ही छोड़नी पड़ती फिर, तो वो हमारे लिए थोड़ा हेडेक बन सकता था। तो इसलिए हमने गाड़ी अपनी साथ नहीं ली। हमने घर से ऑटो में हम बांडीपुरा तक गए, और वहाँ पे हमने सोमो लिया, और हम बांडीपुरा से डायरेक्ट नारा नाग आ गए। तो अभी हमें बस 2 मिनट और चलना है, और हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें स्टे करना है। एक्चुअली हमारे एक ख़ास अजीज़ हैं जिनका ये यहाँ पे हट है, उनका नाम नदीम भाई है। तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे लिए उन्होंने चाबी भेजी, तो हम स्टे इधर ही करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं। मुकीम और रईस ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, मैं ही थोड़ा पीछे था। तो ये इन्होंने यहाँ पे हट बनाया है।
इंशाल्लाह अगले साल तक ही ओपन हो चुका होगा। तो आज रात हम यहीं स्टे करेंगे, आपसे मिलते हैं आगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और रेस्ट के बाद बाहर जाएंगे, फिर आपको यहाँ के जो है एंशिएंट टेंपल्स जो हैं वो दिखाएंगे आपको। हम मार्केट जा रहे हैं, चाय बाहर ही पियेंगे, अपना जो भी सामान है वो वैसा का वैसे ही रखेंगे, उसको नहीं खोलेंगे। मार्केट से चाय पी के आएंगे, शाम के लिए चावल शावल है यहाँ पे, वही पकाएंगे। वही घोड़े के बारे में क्या सोच घोड़े वाले के पास जा रहे हैं, उधर ही देखेंगे क्या होता है। यह है जी नारनाग के एंशिएंट टेंपल्स, यहाँ से व्यू चेक करें आप। मुझे उतनी ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है यहाँ की, तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यह है इसका मेन टेंपल, इतना मुझे पता है, लेकिन ये बंद है, इसमें ताला लगा है। यह है बैक साइड से, बस ये दो चार यहाँ पे अब खंडर बचे हैं, वहाँ है एक, ये दूसरा और ये है मेन टेंपल। यहाँ से भी, ये यहाँ से